हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आ जाओ। यहीं पे रुकी रहेगी आज। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर कहीं भी अटक जाती हूँ। और ज्वेल जाने के सब में जो रास्ता है और सब कुछ है ना, वो इतना मस्त है कि बहुत ही मैं हर जगह अटक जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मम्मी पहली बार यहाँ पर आ रही हैं। सच में हर बारी मैं आती हूँ ना, हर बारी वीडियो बनाती हूँ, कुछ ना कुछ नया रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले पहुँच गए पेट पूजा करने संक्रांति, क्योंकि भूख लगी थी। मम्मी और विधि ने पेट पूजा कर ली है और अब जा रहे हैं खेलने के लिए। तो ज्वेल मॉल में फिफ्थ फ्लोर पे है कैनोपी पार्क, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे अट्रैक्शंस हैं और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है और बहुत सारे झूले हैं। उसमें से जो हमने चूज़ किया था वो दो थे, उसमें था कैनोपी पार्क जो कि इंक्लूसिव था उसी टिकट्स में। जो हमने चूज़ किया था वो था स्काई नेट्स वॉकिंग, इसमें भी एक और था जो था बाउंसिंग वाला भी था, लेकिन बहुत ही स्केरी लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज़, विधि को अकेले नहीं छोड़ सकते थे तो साथ में मुझे भी जाना था। टिकट्स के जो रेट्स हैं वो सिंगापुर रेजिडेंट्स के लिए और फॉरेनर के लिए अलग अलग हैं। हमने जो चूज़ किया था स्काई नेट चूज़ किया था, उसकी टिकट एडल्ट की थी $1,350 और चाइल्ड की थी $9। तो हम दोनों ही रेजिडेंस का हमने दिया था तो उससे हमें 2250 की टिकट्स पड़ी थी। और अंदर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है और गार्डन के अट्रैक्शंस बहुत ही खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग है सब कुछ। हाँ हाँ आ रहा है। चलो चलो,
ओके ओके, विधि का मूड खराब हो गया, हम लोग जा रहे हैं जल्दी से, लाइटिंग शुरू हो गई। बेड पे चढ़ गए हैं विधि के साथ पे। हाँ रियली मम्मा नहीं आ रही है। कैनोपी में थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के आ गई मैं, और ये देखिए पीछे का व्यू, विधि है वहां पे और मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने किसी तरह से कर लिया थोड़ा सा। देखो कहाँ तक पहुंची है अभी, और नीचे बीच में वहाँ डीप है और फिर उसके बाद आगे, और इट्स रियली नॉट इजी एक्चुअली। इधर देखो, मेरी इधर देखो, ये गुड गाय। फाइनली मैं बीच में आ गई हूँ यहाँ पे इस जगह पे, और अब यहाँ से मुझे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ट्राई कर रही हूँ क्योंकि और कोई है नहीं, तो मुझे विधि के पीछे जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान, मम्मी का जॉब ना बड़ा डिफिकल्ट है, पापा तो ऑफिस के नाम से कट जाते हैं। नीचे देखो एक्सीलेटर है, तो नीचे देखो तो कट डर लग रहा है। मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है एक्सीलेटर के ऊपर चल रहा है। धीरे 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 मैं अपनी यात्रा पूरी कर रही हूँ डरते डरते। 1 आवर का टाइम है, मुझे लगता है मैं 2 आवर्स में कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं बिल्कुल बीचों बीच हूँ, अभी मुझे हाफ से ज़्यादा जाना है। ओह माय गॉड, फंस गई मैं आज तो। मम्मी और विधि, विधि से हाय। डाउन आ गए हम लोगों ने पूरी जर्नी। सॉरी इट्स मूविंग। पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली है, ये अभी पूरी नहीं करी, अभी थोड़ा बच्चा है लेकिन अभी कर लेंगे। हम लोगों ने फाइनली एक ट्रिक निकाली, उसने हमें जो यहाँ पे थी उसने हमारी हेल्प की और मेरी हेल्प की एक्चुअली, और उसने ट्रिक बताई, तो उस ट्रिक से हम बैलेंस करते हुए आगे आ गए। और मैंने विधि की भी हेल्प की और विधि ने भी इंजॉय किया, और भी ज़्यादा फन। उसकी तो टिकट महंगी थी, मैंने ली नहीं, पर जो है पूरा बाउंसी विराट हो गई ना तो पूरा उसको दीदी पानी नहीं गिर जाए। और हमारी बहुत गर्मी थी, बहुत था बच्चा को, बहुत क्यूट क्यूट बच्चे, गर्मी क्यों नहीं आए। और
नेट वॉक के बाद जब हम नीचे उतरे तो बाहर निकल के बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही सुंदर रात हो गई थी तो बहुत अच्छी लाइटिंग थी और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। यहाँ पे आने के बाद, इस जगह पे आने पे लगता है कि जैसे हम गार्डन्स बाय द बे में हैं, क्योंकि वहाँ भी फ्लावर्स और ऐसी ही खूबसूरती है, तो बहुत ही खूबसूरत। और एक बार अगर आप सिंगापुर में हैं तो यहाँ आना ज़रूर बनता है। और जो लोग भी इस एयरपोर्ट से पास हो रहे हैं उनके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वह ज्वेल मॉल एकदम अटैच्ड है एयरपोर्ट से, तो ज़रूर एक बार जा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, पूरा मॉल ही बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉपिंग के ढेरों ऑप्शन हैं, और ये जगह तो माइंड ब्लोइंग है। तो आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। और हम शाम को गए थे और अंधेरा हो गया था अभी, तो लाइटिंग के साथ में तो और खूबसूरत लग रहा था, और फ्लावर्स कलरफुल, बहुत ही मेस्मराइजिंग, इतना माइंड ब्लोइंग व्यू था। लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ कर रहे थे, मैंने भी ढेरों वीडियो बना लिए थे, लेकिन काट पिट करके मैं ये एडिट कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा छोटा हो जाए, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो आई होप कि आपने हमारा ये टूर इन्जॉय किया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो नीचे बने हुए रेड बटन को क्लिक करिएगा विद बेल बटन, जिससे कि मेरे सारे न्यू अपलोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलें। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझसे कनेक्टेड रहिए और मेरा सपोर्ट करिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। मैं ट्राई करती हूं अपना बेस्ट करने का, टाइम की प्रॉब्लम है मेरे साथ, आप सब समझते होंगे, एक फैमिली स्टे एट होम मॉम हूं मैं, फैमिली के साथ में ये सब करती हूं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है एडिट करने में, और बहुत बार एडिटिंग एकदम परफेक्ट नहीं होती है, फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ, और जब मुझे लगता है कि अब ये वीडियो अपलोड कर देना चाहिए तो बस मैं अपलोड कर देती हूँ। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच जो भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।